ये देखिए मीटर है, ये मीटर आपको ऐसा शो करता है, और ये मीटर कोंटों में भी आता है, जैलों में भी आता है। इसका वायरिंग डायग्राम भी सेम मिलेगा आपको, तो इसका वायरिंग डायग्राम आपको डिटेल आगे मिलेगा। और किसी चीज़ का प्रॉब्लम लगे, आपको जानकारी अगर सही नहीं लिखे लगे, तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको आपको डिटेल बता सकूं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर आपको डिटेल पूरा मिलेगा। वीडियो से कुछ अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो वायरिंग डायग्राम है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का है, जो कि ये गाड़ी समझियो जैलों में भी आता है, कोंटों में भी आता है। दो गाड़ी में ये मीटर लगता है, सेम लगता है, इसका वायरिंग डायग्राम भी सेम रहता है, मगर किसी किसी में 32 पिन का रहता है, किसी में 20 पिन का रहता है। तो जिसमें 32 पिन होगा कनेक्टर में, आप देखेंगे जिसमें 32 पिन रहेगा उसके लिए ये वायरिंग डायग्राम है, और उसका सेम रहेगा डाटा ये। तो चलिए जानते हैं इसमें किस में कितना वोल्टेज कहाँ कहाँ पे आता है, किस में ग्राउंड है, किस में सिग्नल है। कोई भी मीटर ऑन करने के लिए अपने को पॉजिटिव, ग्राउंड चाहिए और इग्निशन, तीन मेन चीज़ चाहिए। और उसके बाद ECM से कम्युनिकेट करने के लिए कैन लो और कैन हाई, ये दो चीज़ ज़रूरी रहता है। तो यही पांच वायर जो रहता है मेन रहता है मीटर में, कोई भी मीटर में। तो सबसे ये जानना जरूरी रहता है, आपको ऑन टेबल भी चेक करना है तो आप इसी वायरिंग डायग्राम से चेक कर सकते हैं। आपका मीटर लाइट नहीं ऑन हो रहा है, मीटर ऑन नहीं हो रहा है, तो आपका मीटर ख़राब है या वायरिंग में कहीं तकलीफ़ है। तो आप वायरिंग का बारे में अगर जानकारी है कि मेरा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा मीटर ख़राब है या कोई और प्रॉब्लम है। तो चलिए जानते हैं पहले कि किस पिन पे कित वोल्टेज कहाँ से आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे देख रही है 17 नंबर पिन दिख रहा है, जो 17 नंबर पिन, ये देखिए 17 नंबर जो पिन दिख रहा है, ये पॉजिटिव वायर है, बैटरी से आता है, फ्यूज के द्वारा बैटरी से आता है, यानी हमेशा इसमें करंट सप्लाई रहता है फ्यूज के द्वारा, बीच में फ्यूज लगा रहता है, मगर ये डायरेक्ट सप्लाई रहता है, इसको इग्निशन से मतलब नहीं है, इसमें हमेशा आपको पावर सप्लाई रहता है। 17 नंबर पिन, 32 पिन रहता है उसमें से, 16 एक बाजू में रहेगा और 16 एक बाजू में रहेगा, 32 पिन रहता है। तो 17 नंबर जो पिन रहेगा उसमें आपको डायरेक्ट सप्लाई आएगा बैटरी से। वो कहाँ से आ रहा है दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ बीच में फ्यूज लगा हुआ है 10 एम्पियर का, ये फ्यूज लगा है, फ्यूज नंबर 19, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्यूज नंबर 19। ये वायरिंग डायग्राम पढ़ने का तरीका पहले आप जान लीजिए, इसके लिखने का मतलब क्या होता है। ये देखिए 10 एम्पियर लिखा रहता है, यानी 10 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज 19 का, F19 का मतलब हो गया फ्यूज नंबर 19 है ये इसका। और यहाँ पे पिन लिखा हुआ है, यहाँ पिन है 5 नंबर पिन, ये फ्यूज बॉक्स है उसका नंबर बताता है। तो यहाँ से देखिए ये और फ्यूज में कहाँ से आ रहा है, ये देखिए आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे एक फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे भी 60 एम्पियर का, 60 एम्पियर का 5 नंबर फ्यूज से आता है। और ये जो आ रहा है ये मेन बैटरी है, देखिए यहाँ से बैटरी है, बैटरी से होके आगे आया आपको फ्यूज में, 100 नंबर के एम्पियर में आया, 100 नंबर से फिर वो आपको डाइवर्ट किया तो आप चले गए 60 एम्पियर के फ्यूज में आया सप्लाई, फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट आया
किधर, 10 नंबर एम्पियर में, फ्यूज में। फिर वहाँ से डायरेक्ट फिर जाके आपको मीटर में इसका सप्लाई आता है 17 नंबर पिन में। तो एक पॉजिटिव आपको यहाँ मिल गया। अब रही इग्निशन, इग्निशन किस पिन में आएगा, स्विच देने पे इग्निशन किस पिन पर आएगा, स्विच देते हैं तभी मेरा मीटर ऑन होता है, उस किस पिन पर आएगा, उसका वायरिंग कहाँ से आता है वो जानते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये इग्निशन स्विच है, ये जो दिख रहा है ये सब इग्निशन स्विच है। और यहाँ 15 नंबर जो लिखा है इग्निशन स्विच, जैसे इग्निशन स्विच करेंगे तो 15 नंबर में सप्लाई आता है। तो देखिए जैसे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ बीच में फ्यूज लगा है 10 एम्पियर का, फ्यूज नंबर 48। यहाँ से सप्लाई होते हुए कितना नंबर पिन में आया मीटर के, ये देखिए मीटर के 1 नंबर पिन में, 1 नंबर पिन में सप्लाई आया स्विच ऑन होने पे। और आप वायरिंग में देखेंगे तो 17 और 1 आमने सामने रहता है पिन, आमने सामने ही रहता है पिन। ये हो गया दूसरा इग्निशन, दो मेन हो गया, एक 17 नंबर और दूसरा 1 नंबर। अब हो गया ग्राउंड, ग्राउंड कहाँ में आएगा, किस पिन पर आता है ग्राउंड, ग्राउंड जानने के लिए आपको चलते हैं। देखिए ग्राउंड किधर है, हाँ देखिए ग्राउंड, ये देखिए ग्राउंड 26 और 29, ये देख रहे हैं 26 और 29, ये देखिए 26 और 29 यहाँ आते हुए यहाँ जाके, ये देखिए यहाँ बॉडी में ग्राउंड हो गया है, ये देखिए ग्राउंड है। तो आपको 26 और 29 नंबर जो पिन है वो ग्राउंड है, दो पिन में ग्राउंड आएगा। तो एक कन्फर्म हो गया, आपको पॉजिटिव भी आ गया ग्राउंड भी आ गया। जैसे होगा आपका इग्निशन देंगे आपका मीटर ऑन हो जाएगा, यहाँ तक सप्लाई है सही है। तो अब ECM से कम्युनिकेट करने के लिए अपने को कैन लो और कैन हाई चाहिए, तभी वो बताता है कि ECM मेरा कैसा है, या आपका इंजन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मीटर में चेक लाइट आ जाता है। तो कैसे बताता है वो कैन लो और कैन हाई बताता है एक दूसरे से मैसेज करके, तभी वो मीटर अपना काम करता है। मान लो कहीं फोल्ड आया गाड़ी में तो मीटर में शो कर देता है कि आपका मीटर यहाँ फोल्ड है, ये लाइट आ रहा है। तो कैन लो और कैन हाई वो हर गाड़ी में मिलेगा आपको, कैन कम्युनिकेशन करने के लिए। तो किधर है, किस पिन पर है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आपका कोई भी गाड़ी कोई भी काम नहीं हो पाएगा। कैन कम्युनिकेशन करने के लिए ढूंढने के लिए आपको ग्राउंड 16, 18, 19, 21, 26, 29 ग्राउंड 30 AC, उसके डायग्राम आगे में मिलेगा आपको, दिखाता हूँ तब तक इसमें दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी ये देखिए 25 नंबर जो पिन है आपको हेडलाइट फोग लाइट रहता है उसका लाइट का है, 3 और 7 नंबर जो है आपका फ्यूल गेज है ना, ये देखिए ये फ्यूल गेज इसका बताता है, 13 नंबर पिन है जो हेडलाइट का जो लाइट आप अपर डिपर मारते हैं अपर के लिए 13 नंबर में आ रहा है, 14 नंबर जो पिन है वो अल्टरनेटर के लिए है, ये देखिए सॉरी 14 नंबर जो पिन है ऑयल प्रेशर लाइट, ऑयल का लाइट आता है उसका है यहाँ से,
16 नंबर जो पिन है वो अल्टरनेटर का है। देखिए 16 नंबर पिन में जो अल्टरनेटर से आता है उसमें लगता है। देखिए अल्टरनेटर से आता है, MBF से आता है, दो जगह से इसमें आता है। 18 नंबर जो पिन है आपका हैंड ब्रेक, जो पार्किंग का लाइट है, ये सब आता है। ब्रेक लाइट का जो जलता है वहाँ से आएगा। 21 नंबर पिन है, EBD करके लाइट आता है उसमें, मीटर का, उसमें आएगा। ये देखिए ABS से आता है, ECU से आता है। 30 नंबर जो पार्किंग लाइट है रिले, वहाँ से आता है। 31 नंबर AC मीटर का है। 27 और 32 जो सिग्नल का है, लेफ्ट राइट जो सिग्नल चालू करते हैं, ये देखिए 27 और 32 सिग्नल चालू करते हैं उसका है। ये MBF से आता है, ये MBF जो लगा रहता है मॉडल, उसमें से इसका वायरिंग आएगा। अभी कैन कम्युनिकेशन का आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए जो आपका कैन लो या कैन हाई, ये देखिए कैन हाई जो है 13 नंबर, ये देखिए 13 नंबर में है, 13 नंबर पिन में आएगा। और कैन लो 15 नंबर, ये मेन वायर रहता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। कैन लो और कैन हाई एक दूसरे से ट्विस्ट वायर आता है, ग्रीन और येलो कलर का ज़्यादा करके वायर आता है, इसको ध्यान में रखना है। इसके वजह से आपका कोई भी गाड़ी के अंदर कोई या इंजन में कोई भी फॉल्ट आता है तो ये मैसेज देता है वायरिंग, और ECM से ये कनेक्ट रहता है। ECM इसको बताता है मीटर को कि ये गाड़ी के अंदर ये फॉल्ट आ गया है, तो ECM और मीटर में लाइट शो हो जाता है। तो इसको मेन वायर यही है जो सिग्नल का काम करता है, कैन कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, कैन लो और कैन हाई। तो कैन हाई में 13 नंबर और कैन लो में 15 नंबर, ये मेन है, बाकी तो सब सेम है। और किसी चीज़ का अगर जानकारी चाहिए आपको तो मैं आपको बता सकता हूँ, जब भी आप चाहेंगे तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं किसका वायरिंग कौन सा पिन में है। मेन आपको जानना है इग्निशन, मेन, ग्राउंड, कैन लो और कैन हाई, ये चीज़ें का जानकारी आपको होना चाहिए तो आपका मीटर ऑन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रोथ कर जाए। इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, चैनल मेरा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वीडियो तो मेरा बहुत लोग देखते हैं मगर लाइक और कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, जिससे मेरा चैनल ग्रोथ नहीं हो रहा है। मेरे वीडियो को बहुत लोग देखते हैं मगर उसको शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, तो मेरा चैनल ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो, और किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, क्या जानकारी चाहिए आपको वो कमेंट करके बताइए, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। किस चीज़ का वायरिंग चाहिए आपको तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।